हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एसएससी एग्ज़ाम। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 जो भर्ती है वो आ चुकी है, और ये जो भर्ती है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एज कितनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा, हाइट चेस्ट वेट क्या होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और टोटल वैकेंसी कितनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आज हम बताएंगे कि क्या यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या अन्य स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो हम इन सारी डिटेल्स की एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट की। तो 26 जून से इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। इसके जो लास्ट डेट है जो 10 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली 10th पास और 10+2 जितने भी कैंडिडेट पास किया है वो सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जो कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल स्पेशल आर्म फोर्सेस, कांस्टेबल जीडी एक्सेप्ट स्पेशल आर्म फोर्सेस और कांस्टेबल जीडी रेडियो ऑपरेटर टेक्निकल की जो पोस्ट हैं उसकी हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस है जो इसकी जनरल के लिए 560 रुपये रखी गई है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 310 रुपये रखी गई है। और अब हम बात करेंगे इसके एज लिमिट के बारे में कि इसकी जो एज है 18 से 36 साल रखी गई है, ये मेल के लिए एज रखी है। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो 18 से 41 साल के बीच में अगर हैं तो इसका फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। इसकी जो एज है ये काउंट होगी 10/7/2023 से। अगर हम आप 18 साल के हो चुके हैं तो इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप हम सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे इसकी जो हाइट चेस्ट वेट जो रखी गई है वो क्या है। हाइट इसकी है जो मेल के लिए 168 सेंटीमीटर है, ज़्यादा हाइट नहीं रखी गई है, आप इसका फॉर्म भर दें। और इसकी जो फीमेल के लिए हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है, और मेल के लिए जो चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। मतलब सेंटीमीटर 79 जो सेंटीमीटर है वो नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद फुलाने के बाद जो 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट इसमें मेजरमेंट नहीं होगा। और इसकी जो मेल के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है 198.3 सेकेंड में, और फीमेल के लिए जो 800 मीटर की रेस है वो 261.8 सेकेंड रखी गई है। लॉन्ग जंप भी मेल के लिए है वो 2.96 मीटर की है, और फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 2.04 है। गोला फेंक मेल के लिए है 3.83 मीटर, और फीमेल के लिए जो है 2.85 मीटर। तो ये सारी नॉर्मल ही है सब कुछ। 14,501 पोस्ट, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं क्या अदर स्टेट वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान या अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्राइटेरिया है वो जनरल में काउंट होगी। जैसे आप अगर जैसे एससी एसटी या ओबीसी में हैं तो आप जनरल कैटागरी में ही काउंट किए जाएंगे। जैसे एमपी की जो मेरिट है वो जो जनरल की गई 80 नंबर, तो आप अगर एससी से हैं यूपी में या बिहार के तो आपकी जो है 80 नंबर लाने पड़ेंगे। मतलब एमपी में जो जनरल की कट ऑफ जाएगी उसको आपको पार करना पड़ेगा।